गांव के कुछ लोगों को होस्टेल बना लिया है, तो ये जो तमाम डोर है मोटोर जो आप दिया जा रहा है, उस घर को आजाद करवाया जा रहा है पत्तों से, जिस घर में उन्होंने वहाँ के नागरिकों को होस्टेज बना रखा है, संपादित की जा रही है। ये पिछले 15 दिन की मेहनत का परिणाम है, जहाँ पर ब्रिटिश और भारत की सेनाएं एक दूसरे के साथ एक तालमेल फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस दैट इज दी डबल स्टोरी रूम दैट इज बीइंग क्लियर्ड बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। समापन समारोह को देखने के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक को पहली बार टीवी में घोषित करने वाले भारत के जनरल रणबीर सिंह, वो दोनों इस वक्त इन जो भारत और यूके के सैनिकों की जो टेररिस्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग हिज पोजीशन टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फ्ली। कैसी स्थिति होती है जब आतंकियों द्वारा किसी घर को वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया जाता है, उनसे निपटने के लिए दोनों देशों की सेनाएं कितनी ही चुस्ती से और बड़े ही गोपनीय तरीके से इसे समझदार अंजाम देती है। और इसके बाद में सामने जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर गोली जो है वो आतंकियों को लग चुकी है, घायल हो चुके हैं, भारत और यूके के जो सैनिक हैं वो हिंदुस्तान के भीतर घुस चुके हैं, जहाँ पर आतंकियों ने हॉस्टल बनाए हुए थे। सेकंड रूम इज बीइंग क्लियर्ड, कमरे जो इस मकान के हैं चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ दोनों देशों के सैनिक जो पिछले 15 दिनों से सिर्फ इसी ट्रेनिंग को यहाँ पर सीख रहे थे कि आतंकियों से कैसे मुठभेड़ की जाए, कैसे उनसे निपटा जाए और कैसे कम से कम नुकसान हुए यहाँ पर दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना, इस कार्रवाई को वो सीख रहे थे। पीछे जो एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास का आज अंतिम दिन है, वो शायद यही मैसेज देता है कि जब भाषाएं एक जैसी ना हो, सेना एक जैसी ना हो, परंतु अगर आपसी तालमेल से वो युद्धाभ्यास करे तो कुछ इसी तरह का अंजाम आतंकियों का होगा। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, महाजन the weapons are being retrieved from the terrorists. And a search is being carried out to look for any other explosives or grenades.